देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक का आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। कॉस्मेटिक के गोदाम में लगी आग, अभी तक आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। कोतवाली गली स्थित कॉस्मेटिक गोडाउन में अचानक धुआं उठता हुआ देखा गया, जिसके बाद उसमें आग भड़क गई। जब तक आग पर काबू पाया जाता जब तक गोडाउन में सारा सामान जलकर खाक हो गया था। गोडाउन में कॉस्मेटिक का सामान भरा पड़ा था। इस आगजनी में लाखों का नुकसान होना बताया जा रहा है। अंदर इसमें लग रही है और ईद उल फितर का त्यौहार चांचौड़ा में धूमधाम से मनाया गया। पवती नगरी चांचौड़ा में ईद उल फितर की नमाज ईदगाह पर पढ़ी गई। इस दौरान ईदगाह पर प्रशासन की भी अच्छी व्यवस्थाएं रहीं और ईद उल फितर का त्यौहार धूमधाम एवं बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अजहर खान ने बताया कि आज के दिन चांचौड़ा में ईद का त्यौहार मुसलमानों ने ही नहीं बल्कि हिंदू भाइयों ने भी धूमधाम से मनाया। प्रत्येक व्यक्ति को गले लगकर ईद की शुभकामनाएं दी एवं ईद उल फितर के जुलूस का स्वागत सत्कार भी किया। चांचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। मकसूदनगढ़ में भी ईद का त्यौहार मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों का जुलूस गुना रोड स्थित पुरानी ईदगाह मस्जिद से सदर बाजार होते हुए भोपाल रोड ईदगाह मस्जिद पहुंचा। यहां मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा की और हिंदू मुस्लिम भाईचारे और देश में अमन एवं चैन की दुआएं मांगी। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। साथ ही हिंदू भाइयों ने भी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल हर तरह की साल इस साल भी पेश की। यहां हिंदू भाइयों ने भी बढ़ चढ़कर अपने घरों से बाहर निकलकर मुस्लिम भाइयों को गले लगाकर उन्हें ईद की बधाइयां दी। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। युवा कांग्रेस द्वारा चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन यात्रा निकाली गई, जो कि ग्राम नाथपुरा, बड़नगर, पोशालपुरा, घसौनी, तलावड़ा, पिपल्या, बगड़खेड़ी, अमल्याचक, उमरिया, झाड़ेरा, माड़ाखेड़ा, मोहनपुर,
छोटा तरगिया, खंगवारीपुरा, लंबा चक, आम्बे आदि ग्रामों में पहुंची। लगभग 475 गांवों में परिवर्तन यात्रा पहुंच चुकी है। युवा अध्यक्ष देवेंद्र के अनुसार अभी तक ऐसा कोई भी गांव नहीं मिला जो भाजपा ने विकसित किया हो। साथ ही गांव में बिजली की व्यवस्था और आने वाले बिजली के बिलों पर भी भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसा। परिवर्तन यात्रा को ग्रामवासी व जनता व किसानों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। कौन किसानी कर रहा है बताओ? अपने दशरथ भाई की किसान थे, ये युवा है। फसल बेचने आते थे, कितने दिन लगते थे आपको? तो पैसा भी ले आते थे, बड़ा अच्छा दिखता हूँ। दशरथ भाई फसल बेचने के वो फसल कितने दिन खड़े रहे? कितने दिन खड़े रहे आप? लो भैया, 4-5 दिन दशरथ भैया खड़े रहे। हमारे दादा एक दिन में आ जाते पैसे लेके, और लो महीने भर हो गया। कभी ऐसे किसानों की स्थिति देखी आपने? 25 दिन हो गया चना बेचा, रुपये नहीं आ रही। 25 दिन हो गया चना बेचा, 95 रुपये का ठिकाना नहीं है। अच्छा, आप इसी गांव के? ना इस गांव में नहीं, बहुत दूर है, बिहार तरफ है। कहाँ के? 25 दिन हो गया चना बेचा। अच्छा, भांजे अपने बीजेपी को वोट दे दिया, एक गुनाह कर दिया, यही गलती करी ना आप लोग? बार वोट दे देंगे, तीन दिन बिक रही फिर सकता हूँ, बीनागंज से हमारे सहयोगी आर के शर्मा की रिपोर्ट। आरुण नगर में चल रहे मीना बाजार, वैसे तो हवाई झूला, नाव झूला, ब्रेक डांस झूला व रेल आदि की कई प्रकार की दुकानें इस मीना बाजार में लगी हुई हैं। साथ ही छोटे छोटे बच्चों के लिए मिक्की माउस भी मनोरंजन के लिए मीना बाजार में लगे हुए हैं। मौत के कुएं के अंदर 4 मोटरसाइकिल व 2 कारें चलाई जाती हैं। वहीं प्यारे लाल उर्फ गधा से जो भी सवाल पूछो उसका सही उत्तर देता है। बता दें कि मीना बाजार आरुण में 3 साल बाद लगा है। मेले में मनोरंजन व खरीदारी के लिए रात रात भर लोग आते हैं। शौक से आदमी करते हैं और कुछ पेट के लिए भी करते हैं, दोनों मिला जुला के अगर देखिए अगर तो एक बिजनेस बन गया ये। गाड़ी चलाते हैं, खतरों से खेलना आदमी का शौक बन जाता है। ये आप कितने समय से कर रहे हो? लगभग लगभग 10-15 साल हो गया। 10-15 साल से? क्या आपने बचपन से यही करते हुए आए? क्या आप यही करते हैं? तो इसमें क्या आप परिवार का जीवनचर्या भी इसी से चलती होगी? हाँ, थोड़ा बहुत तो चल रहा है, नहीं चलेगा तो फिर आदमी करेगा। तो एक ये शौक भी है और अपना बिजनेस भी। बस अच्छा, आपकी फैमिली भी आपके साथ में रहती होगी यहाँ पे हमेशा? फैमिली साथ में नहीं रहती। रहने वाले वैसे कहाँ थे आप? झारखंड। हारोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। पूरे देश में ईद का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं शहर में भी ईद की नमाज़ अदा की गई, जिसमें ईदगाह बाड़ी में बहुतायत में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने ईद की नमाज़ पढ़ी एवं एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर देश भर में अमन एवं चैन के लिए दुआएं भी मांगी गईं। इसी मौके पर आज हड्डी मिल स्थित ईदगाह पर कांग्रेस द्वारा मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष विट्ठल दास मीणा, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष योगेंद्र लुम्बा सहित कांग्रेस जन उपस्थित रहे। Allah
अरे बाबलू भारत के मेला लो थोड़ा हमारे सबके साथ में हमारा लेना ना भाई आगे चलते हुए अरे बाबलू रेड क्रॉस में आयोजित किया गया निशुल्क जांच शिविर। इस शिविर में कैंसर, मस्तिष्क, हड्डी एवं वर्ण प्लास्टिक सर्जरी, स्पाइन, हृदय रोग आदि की जांच की गई। जांच शिविर में पालीवाल हॉस्पिटल से विशेषज्ञ डॉक्टरों को बुलवाया गया था। बाहर के हैं कि अपने लोगों को ना भोपाल से आए हैं। इसमें डॉक्टर जयप्रकाश पालीवाल हैं जो कि पालीवाल हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। डॉक्टर आनंद गौतम सर हैं, डॉक्टर सर्जरी डॉक्टर रवि मल्होत्रा जी हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। आज टोल नाके के पास एक भीषण दुर्घटना में एक वृद्ध की जान चली गई। बताया जा रहा है कि दो व्यक्ति टोल नाके के पास से गुजर रहे थे, वहीं उसी समय एक बड़ा ट्रक जिसने पीछे से मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर एक वृद्ध की ट्रक के पिछले टायर के नीचे आ जाने से मौत हो गई। वहीं एक और युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला चिकित्सालय में लाया गया। अभी तक दोनों व्यक्तियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं दूसरे व्यक्ति के होश में आने का इंतजार किया जा रहा है। यार एक ट्रक वाले ड्राइवर हो चलो यार। Thank you.
टोल बैरियर के पास में एक्सीडेंट हो गया है। ये कंटेनर HR 3074-24 ने ये बाइक वालों में टक्कर मार दी, जिससे एक ख़त्म हो गया है और एक घायल है। बोलेंगे अवस्था में सर वो? नहीं, अभी क्लियर बोल नहीं पा रहा है। लेकिन उसका नाम भजन है, भजन अहिरवार है, उनारसी कलाकार। और दूसरे का अभी पता नहीं चल रहा, वो स्पष्ट बोल नहीं पा रहा है। और जैसे ही उसमें आता है या कोई पहचान का मिलता है तो क्लियर हो गया। सर मौके कहाँ पर सर मौका है वारदात? ये टोल टैक्स बैरियर के पास में ही है घटना स्थल, और ट्रक को पकड़ लिया है और ड्राइवर को गिरफ्तार किया। ये लोग कहाँ से थे सर? ये बाइक से थे, मोटरसाइकिल से। सर कहाँ जा रहे थे इसका पता चल पाया सर? नहीं, अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है। उसमें आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा किधर से जा रहे हैं। कुंभराज में ईद का त्यौहार बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही अमन एवं चैन की दुआएं मांगते हुए नमाज भी अदा की गई। वहीं सभी मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद भी दी। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व हुए हंगामे के बाद आज मुस्लिम समाज के कई लोगों ने काली पट्टी बांध कर नमाज अदा की एवं विरोध दर्ज कराया। मृगवास में लोदा लोदी समाज की बैठक संपन्न की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसमें सबसे पहला प्रत्येक परिवार को अपने बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही जो परिवार बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं होगा तो उसे बच्चे की पढ़ाई का सारा खर्च समाज जन उठाएंगे। इसके साथ ही यदि कोई समाज का बंधु किसी तरह से कोई कथा पूजन करवाता है तो उसमें पूरे गाँव या समाज के लोगों को उसके लिए कपड़े ले जाना अनिवार्य नहीं है, बल्कि केवल परिवारजन ही उसके लिए कपड़े लेकर जाएंगे। इसके साथ ही समाज में व्याप्त कई तरह की कुरीतियों को मिटाने का भी संकल्प लिया गया। जो सगा भाई हो, सगी बहन हो, उसी की पैरवनी रखे। अन्यथा अगर दूर के रिश्तेदारों की में ही नहीं, अगर कोई भी लोदा समाज का व्यक्ति पैरवनी रखेगा तो 11,000 का दंड का भागीदार होगा। और अगर मैं भी इस पैरवनी में मतलब रखता हूँ तो मैं भी 11,000 देने के लिए तैयार हूँ। कि मतलब 8 तारीख के बाद में जो भी अपना मंच से उद्बोधन हुआ था बीनागंज में, तो उसके लिए सभी मतलब तैयार है। तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मतलब कोई गलती हुई तो क्षमा करना। जय श्री राम, जय लोदेश्वर। और दूसरा ये है कि हमें ये प्रचार प्रसार पूरे समाज में करना है, सब गांव तक ये मैसेज पहुंचाना है। आज ये कुंभराज में हुआ है और जहां जहां से भी रिश्तेदार आए हैं, बिल्कुल हमें हर गांव में ये मैसेज पहुंचाना है, ये खबर पहुंचाना कि आज के बाद गोट घुघरी कथा भागवत इत्यादि में केवल सगा भाई या बहन जो भी है वही करेगा, बाकी हमें कथा पेरावनी बिल्कुल बंद करना है। बीनागंज में भी ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बीजनीपुरा बड़ली स्थित ईदगाह पर मुस्लिम समाज ने मुल्क में अमन एवं शांति के लिए दुआएं मांगी, साथ ही सामूहिक नमाज अदा की। बीनागंज से हमारे सहयोगी आर के शर्मा की रिपोर्ट। जिले में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है इसकी वानगी देखने को मिली। कल बीनागंज में जब मनीष पालीवाल के 10 वर्षीय पुत्र को कुछ लोग उठाकर ले गए, जिसके एवज में फोन द्वारा 12 लाख रुपए की फिरौती बच्चे को छोड़ने के लिए मांगी गई। इसके साथ ही बच्चे से भी बात कराई गई, जिसके बाद मामला 7 लाख रुपए पर सेटल हुआ। सूत्रों की माने तो मनीष पालीवाल ने पैसों की व्यवस्था कर अपहरणकर्ताओं को पैसा दिया, जिसके बाद उन्हें उनका बेटा वापस मिल गया। समझ से परे है कि इन अपहरणकर्ताओं को कैसे पता था कि मनीष पालीवाल के पास कितना पैसा घर में रखा है। इसके साथ ही मनीष पालीवाल की हर एक गतिविधि पर वह कैसे नजर रखे हुए थे। हालांकि जब इस बारे में हमने पुलिस से जानकारी लेना चाही तो उन्होंने हमें जानकारी नहीं दी।
लेकिन पुलिस ने धारा 363 364 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही मोबाइल नंबर के जरिए अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने की कोशिश भी की जा रही है। डीजीएनए न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।